सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड एंड आई एम योर फ्रेंड शिवांश बसी। सो आज हम बात करेंगे कि 11th of May को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके चलनी होगी, हमें कौन से स्टॉक्स फ्राइडे के मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम पूरी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर हम आज के सेशन की बात करें तो हमने देखा कि आज का सेशन भी बिल्कुल वैसा ही गया। तो मैंने आपको जो चार्ट्स में बताया था, मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था कि वो 10,785 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है और इस पूरे मई के सीरीज के अंदर अभी जो चल रही है हमने देखा कि 785 यानी 10,785 को वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी 785 के हमें आसपास मिलता है तो हमें वहां से शॉर्ट करके चलना चाहिए निफ्टी को, वहां से हमें लोअर लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से हम निफ्टी का चार्ट पढ़ रहे हैं तो हमें यही लग रहा है कि निफ्टी अब थोड़ा वीक होते जा रहा है क्योंकि वो हायर टॉप नहीं बना पा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो एक हम समझ सकते हैं डबल टॉप बनाया जा रहा है और वहां से हम एक डेसिवली शॉर्ट करते हुए हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी लोअर लेवल्स दिखा रहा है। पर हम ये भी कह पाते हैं कि 10,600 का एक सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को जो क्रॉस नहीं करने को दे पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो 10,700 के लेवल को वो क्रॉस नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा मई की सीरीज गई है वो अब आगे मुझे यही लगता है कि 10,700 से 10,800 के बीच में रह सकती है। अगर जो कर्नाटका के इलेक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं 12th of May से लेकर 15th of May के बीच में बहुत वॉलेटाइल मार्केट रह सकती है। तो हम कह सकते हैं उसके बाद शायद हम क्रॉस होते हुए देखें निफ्टी बैंक और निफ्टी को अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स में, जैसा भी डिसीजन आता है कर्नाटका का तो उसके हिसाब से हमारी मार्केट वर्क कर सकती है। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे वीक के अंदर हमने 10,800 के लेवल को क्रॉस होते हुए नहीं देखा, हम कह सकते हैं कि वहां से अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं कुछ परसेंटेज के लिए। और अगर हम बात करते हैं कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। IOC, इन्फीबीम, ओरिएंटल बैंक, लार्सन एंड ट्यूबो, फ्री रिटेल, तो ये कुछ पांच स्टॉक्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दो स्टॉक्स मैं आपको और सजेस्ट कर रहा हूँ, भारती एयरटेल 413 या 412.50 के ऊपर निकलता है तो आपको भारती एयरटेल में बाइंग पोजीशन बना के चलनी होगी। मुझे लगता है पोजिशनली इसमें बहुत अच्छे लेवल्स आ सकते हैं, 425 तक ये जा सकता है आराम से। और जो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ सीमेंस आप बाय करके चल सकते हैं करके मार्केट में, मुझे अगर लगता है कि वो एक डबल बॉटम बना चुका है और वहां से शायद हम एक बाउंस बैक की संभावना कर सकते हैं। तो सीमेंस को और भारती एयरटेल को अपने वॉच लिस्ट में कल जरूर रखिए इन स्टॉक्स के साथ। तो IOC की बात करें तो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 171.174 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 164.40 का लगा के चलना होगा। इन्फीबीम की बात करते हैं तो इन्फीबीम में आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी 169.174 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 164 का लगा के चलना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से इसने जो अपना लो बनाया था हमने देखा था कि वही लो डेली चार्ट्स में डबल बॉटम बनते हुए देखने को मिला, वहां से शायद ये रिकवर कर सकता है। ओरिएंटल बैंक की बात करें तो सेल करने की सलाह दी जाएगी, बहुत बुरा चार्ट स्ट्रक्चर इसका लग रहा है तो इस बैंक को हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 81.71-77 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 85.70 का लगा के चलना चाहिए। LNT की अगर बात करें लार्सन एंड ट्यूबो की तो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें, करंट मार्केट प्राइस आपको शो कर रहा है 1362.420 का, 1364 के ऊपर इंडेसिवली सस्टेन करता है तो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 1368-1375 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 1354 का लगा के चलना चाहिए।
एलएनटी में भी हमने देखा है कि डबल बॉटम बना है, जिस तरीके से आज इसने अपनी क्लोजिंग दी है, तो हम कह सकते हैं ये रिवर्सल और दे सकता है, तो एलएनटी पे भी अपना एक बेट करके चल सकते हैं। फ्री रिटेल की बात करें तो हमने देखा आज फ्यूचर जो ग्रुप की जो कंपनीज थी उन्होंने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, और आखिरी के टाइम में जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो वहाँ पर और हमें लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखने को मिले, लोग और पोजीशंस इसमें खड़ी कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर जो ग्रुप है वो शायद और कल के दिन ऊपर जा सकता है। तो फ्यूचर रिटेल पे मैं आप बेट करने की सलाह दूंगा, बाय करने की सलाह होगी 6096.17 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 603 का लगा के चलना चाहिए, इसमें 594 का आपको करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर शो कर रहा हूँ, सॉरी आपको यहाँ पर शो कर रहा है 603 का यहाँ पर आपको करंट मार्केट प्राइस है, जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है आपको 594.60 का मेंटेन करके रखना है, ये आप अपोजिट कर सकते हैं, ये क्लोजिंग प्राइस है 603। करंट मार्केट प्राइस जो है वो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है 594.60 का। निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव देना शुरू करते हैं शुरुआत में, पर हम आखिरी में देखते हैं कि वहाँ पर जब जो टॉप बन जाता है उस टॉप के बाद से वहाँ पर मुनाफा वसूली हम क्या आते हुए देख सकते हैं। तो वही हम 1 वीक से देख रहे हैं जब से मई सीरीज शुरू हुई है, तो हम कह सकते हैं अगर कल निफ्टी ऊपर के लेवल्स में खुलता है और 10,785 के आसपास अगर आपको मिलता है तो बैंक निफ्टी को आपको शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी, वहाँ पर 10,750 से 10,720 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपको 10,810 का लगा के चलना चाहिए। बहुत पास का आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करा जा रहा है क्योंकि अभी तक इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं करा, और मुझे नहीं लगता कि 10,810 को वो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले ब्रेक करेगा, और अगर कोई कंफर्मेशन लगती है 11th of May, क्योंकि कल 11th of May है और अगले दिन से कर्नाटका में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो शायद वो इंडाइसिवली अगर कोई मार्केट को गुड रिस्पॉन्स मिलता है या कोई बड़ी खबर आती है तो शायद वो 10,800 के लेवल को ब्रेक कर भी सकता है, तो मुझे नहीं लगता, पर आप एक बार शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं 10,785 10,780 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी बहुत मजबूत लग रहा है, जिस तरीके से हमने देखा है कि वो इंटेंसिवली 38.25 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेस करे जा रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो 26,050 का लेवल है, तो हम हायर हाईज बना रहा है बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स के अंदर, तो हम कह सकते हैं अभी भी इसमें अपसाइड बाकी है, और 26,500 तक का लेवल वो टेस्ट कर सकता है, वरना उसके आसपास जा सकता है बैंक निफ्टी, तो वहां तक आप बैंक निफ्टी जा सकता है, अगर उसके आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां से आप शॉर्ट्स बना सकते हैं, पर अभी मैं आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए नहीं दूंगा जब तक वो 26,000 के लेवल को क्रॉस या फिर ब्रेक नहीं करता है, तो 26,050 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको टारगेट्स जो मैं पोजिशनली बता रहा हूँ 26,500 या 26,450 तक के मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी नए व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस आप हर दिन पा पाएंगे। एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके लिए एक टेक्निकली बहुत स्ट्रांग आपके लिए स्टॉक चुन के लाया हूँ जो ऊपर अपसाइड दिखा सकता है और एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, तो वो इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर आपको वीडियो शो कर रही होगी, इस वीडियो के लिंक में आप इस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो में आप जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत बढ़िया आपके लिए मैं स्टॉक चुन के लाया हूँ जिसके लिए आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, बहुत फेयर वैल्यूएशंस में अभी ट्रेड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो अपसाइड बना सकता है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। तो मैं शिवांश बसीन मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।